दोस्तों आज हम देखने वाले कोक स्टूडियो का नया सॉन्ग मेहमान। इसमें है निजाम तोरवाली, जैब बंगेश एंड नूरिमा रहमान, सॉरी रेहान। तो देखते हैं भाई, अपने ही नाम ठीक से नहीं पढ़ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरा नाम रेहान है तो कोई और बंदा रेहान नाम का नहीं होना चाहिए। बहुत 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 पर्सनल ले गया ये। बताया जा रहा है ये लास्ट सॉन्ग होने वाला है भाई सीज़न 15 का, अच्छा ये लास्ट और ये एपिसोड, लास्ट सीज़न सॉन्ग। इतना अमेजिंग रहा है भाई, मतलब बड़ा अफसोस हो रहा है ये सुन के कि ये लास्ट गाना है। और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और भी गाना है। नहीं यार, फिर चलो सीजन अपन 16 भी तो आएगा। देखते हैं कैसा है लास्ट सॉन्ग है अभी को। 6 मिनट का सीजन गाना है, फिफ्टीन ऑलमोस्ट 7 मिनट का। वाह भाई, सेट समझ रहा है, सेट है वो तगड़ा वाला, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं। जिस तरह के गाने अभी तक गए उस हिसाब से बता रहा हूँ। या कैसा बना मैं के मजे मीना या कैसा बना मैं के मजे मीना लैंग्वेज या नाइस, पूरा मिट्टी का ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर। चेंज तो नहीं होने वाला है, मेहमान आने वाला है।
ब्यूटीफुल प्लेस। चाहतों के भी तो रास्ते कई हैं, दिल की नजर एक है भाई, हम एक है। मतलब इसकी जो लाइन है ना, चाहतों के भी रास्ते कहीं चुन लो कोई भी, तो कह सकते हैं कि मतलब जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये कह सकते हैं। मतलब काफी बाकी अच्छा खूबसूरत गाना बाकी मैंने बनाया। बोला ना, वो गेट खुलने के बाद कुछ अलग ही दुनिया देखने को मिलने वाली, वही हुआ। दरवाजे खोलते ही ऐसी दुनिया देखने को मिली हमें जो बहुत खूबसूरत है। वो हमारी सोच में ही हो सकती है ऐसी दुनिया बस। तो उसको इसलिए उस दुनिया को AI से जनरेट करके इस वीडियो में डाला गया, ऐसा लग रहा था। मतलब गाने का मकसद यही था कि मतलब प्यार हर किसी चीज़ से आप कर सकते हो। मतलब दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब इतनी सारी नेमतें हैं, हाँ जरूर, आप किसी से भी किसी बहुत भी, सारी चीज़ें, मतलब खुदा की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। मतलब ये सब चीज़ें सोच के उन्होंने गाना लिखा है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। और बहुत ही खूबसूरती से लिखा। और इसमें जो सिंगर्स इन्होंने चूज़ किए हैं, सबकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। इनमें से मैं जैप बंगेश को पहले सुनाऊँ तो उन्होंने जिस खूबसूरती से गाया उनका भाई, वाला नेक्स्ट पार्ट भी लेवल। बहुत सुपर था बाकी भी दो सिंगर तो जो थे, निज़ाम वो। एंड मुझे उनका वाला वो नूरिमा, जो पार्ट है ना, वो एक्चुअली लैंग्वेज समझ में नहीं आया मुझे वो। और उनकी स्टार्ट वाला। आवाज़ के साथ भी कुछ किया गया था बीच में, तो वो भी समझ में नहीं आया कि वो क्या किया गया था एक्चुअली, उसकी क्या ज़रूरत थी, या फिर उसमें कुछ है ऐसा एलिमेंट्स डाले गए उनकी आवाज़ के साथ में, तो वो समझ में नहीं आया मुझे। भाई लास्ट सॉन्ग काफ़ी खूबसूरत बनाया है उन्होंने, और अच्छा मैसेज भी दिया है इस सॉन्ग से। पीसफुल सॉन्ग है, शांति से सुनो, कूल रहो, वो वाला सीन है इसके अंदर। आप भी देख रहे होंगे, हम खो गए थे मतलब गाना देखने में, ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। मतलब गाना देखने में भी और सुनने में दोनों में ही बहुत मज़ा आ रहा बहुत था। प्यारा। मतलब इन्होंने जो विजुअल्स दिखाए इसमें और जो लिरिक्स इन्होंने लिखे, उस हिसाब से पूरे विजुअल्स जिस हिसाब से क्रिएट किए ना इन्होंने, वो देख के सच में मज़ा आ गया। मुझे तो सबसे ज्यादा पीसफुल तब लगा जब वो जो चेंज हुआ ना, वर्ल्ड चेंज हो गया एंड द पीसफुल एक दुनिया दिखाई गई अलग ही, जिसमें बहुत सारे फल फूल जानवर वो दरिया, मतलब बीच में कुछ नदी जैसा कुछ है एंड ग्रीनरी, वो देख के बड़ा पीसफुल लगा, बड़ा हरियाली एंड सब देख के बड़ा अच्छा सा लगा। कोक स्टूडियो में ना मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि इसमें काफ़ी सिंगर्स ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, मतलब जिनका डेब्यू ही हो रहा होता है, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से गाते हैं वो देख के मज़ा आता है। मतलब लगता ही नहीं कि उनका पहला सॉन्ग है। जैसे ये भी अभी मैंने कमेंट में पढ़ा कि नूरिमा का फर्स्ट सॉन्ग है, तो नेक्स्ट लेवल गाया उन्होंने। मतलब ऐसा लग ही ना था फर्स्ट सॉन्ग है। और अच्छा इस चीज़ का कॉन्फिडेंस भी मेरे ख्याल से इसके प्रोड्यूसर देते होंगे उनको, जो जुल्फी है। शायद इसके प्रोड्यूसर ही इतने कमाल है, इतना मोटिवेट कर देते होंगे सिंगर्स को कि वो ज़बरदस्त कमाल का गाते हैं। या फिर वो एक एटमोसफेयर ही इसके सेट पे ऐसा होता होगा कि यार, या जो भी इनका स्टूडियो है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पर एक एटमोसफेयर ही ऐसा क्रिएट कर रखा होगा उन्होंने कि भाई गलती हो ही नहीं सकती बंदे से। ज़बरदस्त यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट गाते हैं। बिल्कुल, बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन देन मेक मेक लव लव नॉट नॉट वॉर। वॉर।